अच्छा संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी, आप 308 नहीं 200 की कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी। तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएंगे? नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं। आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली, बट मेरी काउंट 10 से भी कम है तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती। अच्छा, इसके बाद आप कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप कहते हो मैं ठरकी हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं ड्रगिस्ट हूँ। ये नहीं है नहीं, मालूम है मुझे ये विचार संजू है, संजू हाँ हाँ, कैरेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ, ऑन रील आई एम कम्प्लीटिंग इट। सो विच वन यू एंजॉय, रोमांटिक, बींग रोमांटिक? Of course, being druggist must have been quite tough. Romantic, of course, because you are also romantic at heart. Yes, absolutely. And I like love stories. I like romantic films because I believe that a character, when he's in love, he does incredible things. Whichever person, whichever individual is in love. So I'm more the romantic side. I don't have any turkiness in me.